अखाड़ा में आज सबसे पहले बात साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में अब भी बने हुए मिलिट्री बिल्डअप की, क्योंकि चीन है कि मानता नहीं, ताइवान को धमकाने के लिए चीन की ड्रिल्स जारी हैं। चीन अब ताइवान के आसपास नियमित तौर पर सैन्य अभ्यास करेगा, यह उसने फैसला कर लिया है। भले ही 4 तारीख से 7 अगस्त के बीच की जो शेड्यूल मिलिट्री ड्रिल्स है वो खत्म हो गई हो, चीन अब पीला सागर और बोहाई सागर में नए सैन्य अभ्यास करेगा। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी भी कर ली है और लगातार सैन्य अभ्यास कर वो अपनी ताकत भी दिखा रहा है। ताइवान से तनाव बढ़ने के बाद से ही चीन युद्धाभ्यास के अलग अलग वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखा रहा है। अब वहीं ताइवान के खिलाफ चीन का रुख बेहद आक्रामक है और ये ज्यादा गुस्सा ताइवान से ज्यादा अमेरिका की तरफ है। चीन ने अपने युद्धाभ्यास को आगे बढ़ा दिया। चीन अब मध्य अगस्त तक युद्धाभ्यास करने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये अभ्यास ताइवान की सीमा से बेहद करीब हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में बड़े सैन्य हथियारों के साथ युद्धपोत और बम वर्षक लड़ाकू विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। अब चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। ताइवान सीमा में लाइव ड्रिल जारी रखने के साथ ही चीन ने कोरिया के लखते समुद्र में भी युद्धाभ्यास शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अपने लड़ाकू विमानों के साथ युद्धपोत को भी उसने उतार दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ताइवान से एक कदम दूर युद्ध, युद्धाभ्यास का दिखावा, युद्ध मकसद, बढ़ी ड्रिल की तारीख, बढ़ा खतरा। ताइवान के बाद कोरिया में दिखेगा तो इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो चीन ने ताइवान पर हमला ही बोल दिया हो। ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। भले ही युद्धाभ्यास की तस्वीरें हो, लेकिन चीन का मकसद साफ है, अपनी ताकत की धमक दिखाकर ताइवान पर कब्जा पाना। इसलिए तो चीन ने ताइवान में जारी अपने लाइव ड्रिल की तारीख बढ़ा दी। चीन ने आसमान से लेकर जमीन तक कहर बरपाने की कोशिश की। जहां एक तरफ चीन के जहाज ताइवान की सीमा में दहाड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की मिसाइलें भी लगातार शोर मचा रही हैं। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से ताइवान का घेराव करते हुए युद्धाभ्यास जारी है। चीन के लड़ाकू विमानों ने भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले लिया, जिसके बाद इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। हालांकि अमेरिका, जापान समेत कई देशों ने चीन से युद्धाभ्यास बंद करने को कहा है, लेकिन इन सब के बीच चीन ने पीएलए से जुड़ा हुआ एक वीडियो जारी किया, जिसमें चीन की सेना की आक्रामकता साफ नजर आई। चीन अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से भड़का हुआ है। ताइवान सीमा में चीन का युद्धाभ्यास एक दिन पहले ही खत्म होना था। ना तो चीन और ना ही ताइवान ने इनके खत्म होने की बात कही। वहीं इसी बीच ड्रैगन ने अब और समुद्रों में युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर दिया है। चीन ने येलो और बोहाई समुद्र में भी सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। जहां येलो सी चीन और कोरिया के बीच स्थित है, वहीं बोहाई सागर भी येलो सी का अगला हिस्सा है। ताइवान के बाद कोरिया में युद्धाभ्यास, बोहाई और येलो सी में युद्धाभ्यास शुरू। 15 अगस्त तक येलो सी में युद्धाभ्यास, बोहाई सी में सितंबर से युद्धाभ्यास। चीन अपने युद्धाभ्यासों के जरिए अमेरिका को परखना चाहता है। वह ये देखना चाहता है कि ताइवान को लेकर अमेरिका किस हद तक जा सकता है। ऐसे में यूक्रेन का उदाहरण उसके सामने है। यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन रूसी हमलों का जवाब देने के लिए उसने अपनी या नाटो की सेना जमीन पर नहीं उतारी,
हालांकि यूक्रेन की तुलना ताइवान से नहीं की जा सकती। ताइवान में अमेरिका के हित यूक्रेन से कहीं ज्यादा बड़े हैं। अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। एक बात बता दें कि ताइवान पर अमेरिका की सॉवरेन गारंटी है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिका उसे या यूएस उसे अपने ऊपर, अपने राष्ट्र पर, अपनी संप्रभुता पर आक्षेप मानेगा, आक्रमण मानेगा। चीन अपने ड्रिल से ताइवान को तो धमका रहा है, ये 50 साल से चल रहा है, ताइवान की सीमा का उल्लंघन भी कर रहा है। यही नहीं, चीन ने अपने युद्धाभ्यास को और आगे भी बढ़ा दिया है। इस बार इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही है। अब चीन ने ताइवान के आसपास अपनी ड्रिल की तारीख को भी आगे बढ़ा दी है कि 7 तारीख तक ऑफिशियली खत्म होना था, लेकिन अब तो चलेगा भाई, ये लंबा चलेगा। अब चीन ताइवान के पास नियमित सैन्य अभ्यास कर रहा है, वो अलग अलग जगह पर कर रहा है और इसको इंटेंसिटी को भी बनाए रखा है। इसमें बड़े हथियारों का प्रयोग भी हो रहा है। यही नहीं, चीन अब एक साथ कई युद्धाभ्यास कर रहा है। पीला सागर में 15 अगस्त तक चीन युद्धाभ्यास कर रहा है, वहीं बोहाई सागर में भी एक अलग से सैन्य अभ्यास कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में चीन बम वर्षकों और मिसाइलों से ड्रिल्स भी कर रहा है। इससे इस पूरे इलाके में हलचल बेहद तेज है और खासकर इंटेंसिटी इस तरह की है कि वो मेन आइलैंड में कैसे अटैक किया जाए उसकी तैयारी कर रहा है। बार बार यही ड्रिल्स हो रहे हैं। नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो क्या सिर्फ ताइवान को ही नुकसान पहुंचेगा या फिर इस युद्ध का असर भी दुनिया के तमाम देशों को झेलने को मजबूर होना पड़ेगा? देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध की दहलीज पर खड़े चीन ताइवान किसी भी वक्त शुरू हो सकता है हमला। अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी 2 अगस्त को ताइवान दौरे पर पहुंची थी और उनकी इसी यात्रा ने चीन को इस कदर भड़का दिया कि चीन ने ताइवान को डराने के मकसद से उसके आसपास कई मिसाइलें दाग दी। इसके बाद भी तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ता चला गया और अब आशंका जताई जा रही है कि चीन भी रूस की तरह किसी भी वक्त ताइवान पर हमला बोल सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या सिर्फ ताइवान को नुकसान होगा या फिर दुनिया भर के कई देश इस संकट की वजह से मुश्किल में पड़ जाएंगे? इस बात की चर्चा होने लगी है और ताइवान के अखबार इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर का बड़ा उत्पादक ताइवान, हमला हुआ तो सेमीकंडक्टर उत्पादन पर असर। कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया ये देख चुकी है कि सेमीकंडक्टर की कमी कैसे दुनिया भर के देशों पर असर डाल सकती है। खुद भारत में सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से कई सेक्टर में उत्पादन पर असर पड़ा था और अगर इस वक्त चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो उसका सीधा असर सेमीकंडक्टर के उत्पादन पर पड़ेगा। ताइवान की अर्थव्यवस्था तो तबाह होगी लेकिन उसके साथ साथ कई देशों में हो रहे उत्पादन पर सीधा असर पड़ जाएगा। आंकड़ों को देखें तो अकेले ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया का 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। जाहिर है कि युद्ध के हालात में दुनिया में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, हथियारों आदि उत्पादों का उत्पादन संकट में पड़ जाएगा और पहले से ही खाद्यान्न संकट और महंगाई से जूझ रही दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। युद्ध से समंदर के रास्तों पर असर की संभावना। समंदर के रास्ते बंद हुए तो व्यापार कैसे होगा? चीन ने अगर ताइवान पर हमला बोला तो उसका सीधा असर समंदर से होकर गुजरने वाले रास्तों पर भी पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ ताइवान बल्कि जापान और दक्षिण कोरिया की भी मुश्किल बढ़ जाएगी क्योंकि दक्षिण कोरिया और जापान को जाने वाले ज्यादातर जहाज ताइवान के पास से ही होकर गुजरते हैं और हमले के हालात में इस रास्ते से होकर गुजरने वाले जहाजों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब वहीं चीन युद्धाभ्यास के जरिए अपने पड़ोसियों पर प्रेशर बना रहा है क्योंकि चीन ने एक बहुत बड़े बेड़े को समंदर में उतार दिया है ताकि पड़ोसियों के साथ साथ अमेरिका को भी सख्त संदेश जाए क्योंकि चीन ने 100 से ज्यादा युद्धक विमान ताइवान के सीमा के करीब तैनात किए हुए हैं और युद्धाभ्यास में इनका प्रयोग हो रहा है।
इसके वीडियो भी लगातार जारी किए जा रहे हैं, वो भी चाइनीज स्टेट मीडिया कर रही है। यही नहीं, इस अभ्यास में हवा में ईंधन भरने वाले प्लेन U-20 का भी, यानी YU-20 का भी प्रयोग हो रहा है। ड्रिल में 10 से ज्यादा विध्वंसक युद्धपोत भी उतारे गए हैं। चीन संयुक्त नाकाबंदी का भी अभ्यास कर रहा है ताकि ताइवान को डराया जा सके। ये एरिया साउथ चाइना सी का बहुत ज्यादा ट्रेडिंग जोन है, बहुत सारे जहाज बहुत सारे देशों के आते जाते रहते हैं, तो उन पर भी असर पड़ रहा है। बगल में दक्षिण कोरिया है, उधर जापान है, उस पर भी फर्क पड़ रहा है, प्रेशर वहां भी बन रहा है। ताइवान के पूर्वी तट पर 2 युद्धपोत तैनात भी किए गए हैं। हालांकि इस युद्धपोत के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। एक बात तो है कि चीन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि ताइवान पर वो जब चाहे कब्जा कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वो अमेरिका को डरा रहा है कि मैं तुमसे नहीं डरता, पंगा लेना चाहते तो आकर दिखाओ। चीन ताइवान के बीच बड़ी टेंशन के बाद पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर है, क्योंकि वहां एक भी बम गिरा ताइवान पर, हम सब पर फर्क पड़ेगा। दुनिया के कम से कम 200 ऐसे देश हैं जिनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। सभी को पता है कि अगर महाशक्तियां टकराएंगी तो उसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसलिए चीन प्रेशर पॉलिसी अपनाकर इस युद्ध को जीतना चाहता है। अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान से आई इन तस्वीरों से चीन इस कदर बौखला गया कि उसने नैंसी के लौटते ही ताइवान को चारों तरफ से घेरकर सैन्य अभ्यास किया। ताइवान पर चीन के हमले की आशंका के बीच चीन ने अब अपने जासूसी सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज का रुख श्रीलंका से ताइवान की ओर मोड़ दिया है। चीन ताइवान में बढ़ी टेंशन, ताइवान की जासूसी करेगा चीन, अब ताइवान चीन युद्ध होकर रहेगा। चीन के बार बार मना करने के बावजूद नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन गुस्से में भर गया और उसने अपने जासूसी और सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 का रुख श्रीलंका के रूट से हटाकर ताइवान के करीब तैनात कर दिया। चीन का ये जासूसी जहाज C4ISR यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस की हाई टेक्नोलॉजी से लैस है। इस जहाज का इस्तेमाल ताइवान के इर्द गिर्द हो रहे सैन्य युद्धाभ्यास और अमेरिका और जापान के जहाजों की निगरानी में भी किया जा रहा है। चालाक चीन का बहुत बड़ा पैतरा, ताइवान पर दबाव बनाने की नीति, अमेरिका समेत दुनिया को भी ताकत दिखाए। ताइवान के खिलाफ अपनी गतिविधियों से चीन एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। एक तो वो ताइवान पर दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका समेत पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन युद्धाभ्यास की आड़ में ताइवान पर हमला करने का प्लान भी बना सकता है, लेकिन ताइवान के पास अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी की वजह से वो अपने प्लान को अमल में लाने से डर रहा है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ये जंग ताइवान और चीन नहीं अमेरिका और चीन के बीच बड़ी लड़ाई बन जाएगी और इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध में बदलते जरा देर भी नहीं लगेगी। चीन बैक ऑफ के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। चीन ने ताइवान में लाइव ड्रिल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और लातविया ताइवान के समर्थन में आकर खड़े हुए हैं और वहां तनाव कम करने का उन्होंने आह्वान किया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि ताइवान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, ऐसे में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र चाहता है कि ताइवान में स्थिरता आए। अब वहीं चीन ने ताइवान की घेरेबंदी की पूरी प्लानिंग की और ये घेरेबंदी क्या की कि पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। ताइवान पर हमले की आशंका के बीच अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अहम बैठक करके चीन को तुरंत अपना युद्धाभ्यास रोकने को कह दिया। तीनों देश एक सुर में चीन का विरोध क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो तीनों देशों को चीन के विरुद्ध एक साथ खड़ा कर रहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। समंदर में चीन का युद्धाभ्यास, ड्रैगन को कौन दे रहा है धमकी, लाइव फायर ड्रिल के विरोध में कौन,
अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान क्या पहुंची, चीन भड़क उठा। गुस्साए चीन ने ताइवान को घेर लिया, मिसाइलें दागी और लाइव फायर ड्रिल का नाम देकर अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। चीन की इस ड्रिल पर अमेरिका समेत कई देशों ने भी चिंता जताई। एक और जहां चीन लाइव फायर ड्रिल के नाम पर ताइवान को धमकाने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के तीन शक्तिशाली देशों ने चीन को चेतावनी दे डाली। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक अहम बैठक की और सख्त लहजे में चीन को अपना सैन्य अभ्यास तुरंत रोकने को कहा। इन तीनों देशों ने चीन की हाल की गतिविधियों पर चिंता जताई और इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा करार दिया। जानकार मान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए त्रिपक्षीय साझेदारी को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और एक सुर में चीन को चेताया है। तीनों ही देशों ने चीन की गतिविधियों को तनाव बढ़ाने वाला बताया। जापान ने तो ये दावा भी किया कि चीन की ओर से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलें उसके क्षेत्र में गिरी हैं। तो उधर चीन की ओर से जापान को जवाब दिया गया। जापान में चीन के दूतावास की ओर से कहा गया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान का चीन कड़ा विरोध करता है। चीन की मिसाइलों का जापान के इकोनॉमिक जोन में गिरने का दावा बिल्कुल निराधार है, क्योंकि चीन और जापान के बीच कोई जल सीमा निर्धारित नहीं है। जापान इस मुद्दे को अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश न करे, क्योंकि कुछ जानकार मानते हैं कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध हुआ तो विश्व स्तर पर आर्थिक अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है, क्योंकि तकनीकी और सेमीकंडक्टर बाजार में ताइवान का बहुत बड़ा योगदान है और ऐसे में अगर युद्ध होता है तो समुद्री रास्ते बंद होने से वहां से सामान की सप्लाई रुक जाएगी और जिसका सीधा असर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान तक देखने को मिलेगा। यही वजह है कि ये तीनों देश चीन को चेताकर शांति की अपील की बात कह रहे हैं। दरअसल ताइवान से होने वाले ट्रेड का ज्यादातर हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का है। इंटरनेशनल ट्रेड में ताइवान की पहचान सेमीकंडक्टर की सप्लाई की वजह से है। वहीं ताइवान फंक्शनल और टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रमुख उत्पादक देश है और आने वाले समय में सेमीकंडक्टर दुनिया की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का बड़ा हिस्सा साबित होने जा रहा है, जिसमें ताइवान की अहम भूमिका होगी। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ताइवान को घेरने के बहाने चीन जापान को भी क्यों छेड़ रहा है। तो कुछ जानकार मान रहे हैं कि ये चीन की कोई गलती नहीं, बल्कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। नैंसी पेलोसी जापान भी गई थी, जहां उन्होंने ताइवान का मुद्दा उठाकर ड्रैगन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब भले ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर चीन पर दबाव बना रहे हों, लेकिन देखना ये होगा कि इन तीनों देशों का दबाव चीन पर कितना असर दिखा पाता है। अब